अज साडा जिहड़ा मेन एजेंडा सी ओह इह सीगा कि सरकार ने कुछ समस्यावां पंजाब दीआं जिहड़ीआं उलझियां होईआं सीगीआं जिवें किसानां दे जिहड़ी गन्ने दी पेमेंट वाला मामला सी। पिछले दिनां तुसीं देखिआ कि सरकार ने इहनूं तलका के लै गई सी कि असीं सितंबर दे लास्ट दे उत्ते 30 सितंबर नूं असीं किश्तां ना देवांगे। उहदे ते अज मतलब साडा फैसला इह होइआ सरकार ने मान लिया कि असी 7 सितंबर नूं दुबारा मीटिंग होगी साडे नाल। उस दिन तक सारे दी सारी पेमेंट गन्ने दी किसानां तक मतलब किसानां दे खातिआं दे विच पा दित्ती जाएगी चाहे वह प्राइवेट है। और उहदे च एक बड़ी इंपोर्टेंट गल इह वेखण वाली है कि जिहड़ी मिल सीगी फगवाड़ा मिल दा जिहड़ा मतलब 72 करोड़ रुपया फसिया पिया सी लोकां दा, उहदे चों सरकार ने इह मान लिया कि असी 28 करोड़ रुपया उन्हां तरीकों तो पहला किसानों नूं मतलब पेमेंट दे देंगे, बाकी साढ़ा 44 करोड़ रुपया जिहड़ा वह असी उन्हां दी प्रॉपर्टी अटैच करी जा रहे हैं और उन्हूं प्रॉपर्टी नूं उन्हां दी नूं सेल करके वह भी असी बहुत जल्दी मतलब किसानों नूं दे देंगे। तो दूसरी जिहड़ी गल है होर जिहड़ी एक बहुत वड्डी सी कि असी साढ़े किसान चाहुंदे सीगे कि इहनूं मिल छेती चले, वो 5 नवंबर तक मिल चलाउण दी उन्होंने जिम्मेवारी चक ली कि असीं 5 नवंबर नूं मिल चलावांगे। और अगली जिहड़ी गल होर है साडी एक मंग सी कि साडे जिहड़े पंजाब दे लोक मोर्चे दे विच साडे किसान शहीद होए सीगे उन्हां शहीदां दे बहुत सारे परिवार रहिंदे सी जिन्हां नूं उन्हां ने पेमेंट नहीं सी दित्ती गई 5-5 हज़ार रुपया 5-5 लाख रुपया, वह अज मतलब उन्होंने मन लिया कि अज तिकर जिहड़े 17 केस अज ही उन्होंने मतलब पा दिते गए है क्योंकि मंग पत्र पहला आ गया सी उन्हां कोले, ते बाकी जिहड़े रहिंदे रह गए वह सारे दे सारे मतलब 5 अगस्त तक कंप्लीट करके किसानों नूं पेमेंट सारियां नूं हो चली जाएगी। साडी वड्डी मंग सी। अगली जिहड़ी एक गल सीगी कि तुसीं देखिआ होगा कि किसानों का जिहड़ा नरमा मर गया चिट्टी मक्खी करके मर गया जां गुलाबी सुंडी करके मर गया, तो सरकार डिले कर रही सी कि भी असी इहनूं सानूं ऐ लग रहा सी साडे किसानों नूं भी सीगा ते अक्सर हुंदा भी रहा लोकां नाल कि भई किसानों ने हुण उद्दू बाद बासमती की खेती कर देनी सी वाह के नरमा, तब उन्होंने किसानों नूं पेमेंट कौन देवेगा, उन्होंने तो यह कह देंगे लो जी तुहाड़े तो इत्थे बासमती अजे तां नरमा है ही नहीं सी। उहदे ते उन्होंने मतलब यह किया कि असी अजे ही मतलब गरदौरियां दे ऑर्डर दिते हुए ने जिथे जिथे भी किसानों का नरमा सी उह सारे दे सारे नूं जिंदा जिद्दे तो लैके वाह के बीजिया है नरमे की बिजांद की है जिन्ना उहदे ते खर्चा आया वह सारे का पैसा पाई किसानों की वक्रे रूप से देवे असी भावें वेद लोगों ने झोना ला लिया चाहे उन्होंने बासमती ला ली। फिर साड़ी एक सी कि जेड़े लोगों का पिछली बारी नुकसान होया बासमती का नुकसान हो गया गड़ेमारी करके वो एक बड़ा खेत्र जिते नुकसान होया वैसे उन्होंने लोगों का सारे का सारा उन्होंने ये कहा सानू कि सानू थोड़ा जा कुछ समस्यावान वो असी एक दो हफ्तों के क्लीयर करके वो सारे की सारी पेमेंट वह भी असी उन्होंने किसानों दे देंगे। एक अगली गल होर भी सी साड़ी एक ये इन्होंने मंगा दे कि जिमें साढ़े हाँ केस पे सके लोगों के उत्ते और उलझे पे सके और यूटी दे भी तुम देखिए साढ़े बच्चे साड़िया बच्चिया साड़िया बेटिया प्रोटेस्ट के साढ़े दिल्ली के चलते प्रोटेस्ट की हमायत कर दी रही और उन्होंने सारे उत्ते मुकदमे परचे तरह के लगे हुए और अज इत्थे फैसला होया कि पंजाब दे जिन्ने मुकदमे ने वह सारे दे सारे जिन्हां दे विच उन्होंने दस्सिया कि 29 मुकदमे असी वापस ले लिया जिहड़े 34 मुकदमे हैं उन्हां नूं असी मतलब ऑर्डर हो गया अज कि वह सारे दे सारे मतलब उन्हां दी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं वह सारे दे सारे वापस ले लिया और 6 मुकदमे वह जिहड़े कोर्ट चले गए और जिहड़े कोर्ट चले गए उन्हां नूं भी मतलब विड्रॉ करन दी प्रक्रिया अज तों शुरू हो गई है वह भी सारे दे सारे वापस हो गए अगे आ गए जिहड़े वो तो विच्चे ही ने पराली परूली वाले सारे। अगली जिहड़ी गल उहदे च सीगी कि जिहड़ा साडा यूटी दे सीगे ना नौजवान साडियां बच्चियां साडे होर वीर उन्हां नूं भी उलझाया पिया सी उह साडी इक जोर दे के रखी सी कि साडे सीएम साहब इहनूं आप हैंडल करन और उन्हां ने जिम्मेवारी चक ली डीजीपी पंजाब ते डीजीपी यूटी इह दोनों बैठ के इन्हां केसां नूं मतलब सांझा करके आपस में जो ऑर्डर होए हुए ने सरकार दे
तो सारे मतलब इन्होंने केसा भी वापस हूँ कल लैन धरना नहीं दे रहे और हाँ जो देखो गल की है धरना देने का मतलब तो यह होंगे ना कि जो साड़िया मंगा नहीं मनिया जाएगी तो फिर धरना देना सीगा अज जो सरकार ने साड़िया मंगा मन लिया ने तो फिर मतलब साडा यह है कि असी कल वाला जो प्रोग्राम है वो असी पोस्टपोन किया मैं फिर क्लीयर कर दें असी उन्होंने पोस्टपोन किया और जी मीटिंग उन्होंने सानू दोबारा दी है वो दी है कि 7 सितंबर दोबारा किसान जथेबंदियों ने तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगे और उहदे विच जिहड़े कोई मसला रहेगा सानू दस्सो उहनूं वी सॉल्व कर देंगे अगर नहीं कोई उदों तिकर साडियां समस्यावां रहिंदियां ने तां फिर असीं उहदे ते एक्शन अगला प्रोग्राम लीक सकते हैं। एक होर वड्डी गल है कि जिहड़े साडे तारों पार लोक दो मसले बड़े वड्डे सीगे एक 19,000 ते 200 परिवार सीगे जिहड़े जिन्हां दा 2007 दा एक कानून बनिया सी फैसला होया सीगा कि उन्होंने किसानों उन्होंने जमीन के मालक बनाया सी जिन्हां जमीन के उत्ते लोग मतलब काश्त कर रहे सी और उदों बाद 2015 दे विच आके वो सारे दे सारे उन्होंने मालकियत हक इन्होंने खत्म करते सी वो अज सरकार ने साडे कोले मन लिया कि वो असी दोबारा भावें सानू आपदी विधानसभा का सैशन बुलाउणा पवे चाहे कुछ तरीके नाल करना पवे वो असी दोबारा कानून बना के वो सारे दे सारे किसानों हक मालकियत देवांगे। 96 करोड़ रुपया सी जिहड़ा लोगों का तारों पार वाला रहिंदा सीगा बकाया उन्हों का मुआवजा और उन्होंने मान लिया कि 10 दिन के बिच टोटल किसानों के खात्यां तक वो पेमेंट जी पहुँचती होजूगी और नाल एक गल होर सी असी कह रहे थे कि जेडे उत्थे किसान खेती करते हैं उत्थे सूर बड़ा नुकसान करते हैं पहले समय के लोग उत्थे मतलब एक अपनी बैटरी का करंट दे के वो जानवरों को भजा लेंदे सीगे वो पिछले समय के BSF ने उहदे ते रोक लाती लोगों नहीं करन दिता जा रहा सी वो साडे CM साहब ने यह जिम्मेवारी चकी है कि मैं खुद ये मतलब उन्हां नाल गलबात करके उत्थों बैठ के उन्हां नाल तां उहदे नाल मैं तुहाडा उस मसले का भी हल करांगे ताकि मतलब किसानों को सूरां का भी मसला हल किया जा सके। एक होर बहुत बड़ी मंग हाँ हाँ एक एक अजय साड़िया मंगा रहिंदियां तुसीं सानू खड़े ही जो थल्ले ही है रात आ पाई आप गल वेट करिए देखो किड्डी वड्डी गल सी एक तुसीं सारिआं नूं पता होगा साडे पिंडां दे विच कोई किसान थोड़ी कोई दो कनाला कोई कनाल कोई अद्धी कनाल आपदा चाहुंदा भी मैं बच्ची की शादी करनी है मैं मेरी 10 मरलियां नाल हो सकता है वह वेचनी चाहुंदा सी उहनूं कमर्शियल रेट लगता सी उहदे ते बहुत ज़्यादा मतलब उन्हूं खर्चे पैंदे सी और उन्होंने अलाउ करता कि खेती करन वाली जमीन है जिहड़ी पिंडां दे विच बिल्कुल क्लीयर है कि उन्हूं किसे तरह की कोई NOC की लोड़ नहीं है और उन्हूं कोई भी वाधू मतलब चार्जेज खर्चा नहीं पएगा और कलैक्टर रेट ज उस सिस्टम नाल ही रजिस्टर नहीं वो जिहड़ी लै रहा है वो लै रहा खेती वाला लै रहा खेती की जमीन है उन्हूं देखनी है भी जमीन खेती की है अगर वह खेती की जमीन है तो कोई मतलब कमर्शियल रेट नहीं लगेगा नहीं जे अगला कमर्शियल वास्ते करता तो अगे जो बेचेगा वो जाने कम जाने उन्नी देर तक नहीं है।